हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। सी लैंग्वेज के इस सीरीज में स्टूडेंट आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आइडेंटिफायर्स एंड सी। सी में आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, ये बहुत ही स्टूडेंट बिगिनर लेवल का है, लेकिन आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप सी प्रोग्राम जब लिखिएगा तो उसमें आप ओनली टू वर्ड्स लिखिएगा। यानी टू वर्ड्स करने का ये मतलब कि आप जो भी वर्ड्स लिखिएगा वो दो होंगे, या तो कीवर्ड्स होंगे या तो आइडेंटिफायर्स होंगे। इसलिए आपको आइडेंटिफायर्स को जानना बहुत ही जरूरी है। कीवर्ड्स क्या होता है हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करें और पहले वो वीडियो देख लें। आइडेंटिफायर्स को स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऑल द वर्ड्स डैट वी विल यूज इन आवर सी प्रोग्राम विल बी आइदर कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स। बिल्कुल जितने भी वर्ड्स हम लोग अपने सी प्रोग्राम में लिखेंगे, यानी कि सी प्रोग्राम के सोर्स कोड को लिखते वक्त हम लोग जिन जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे वो या तो कीवर्ड्स होंगे या तो आइडेंटिफायर्स होंगे। अब सीधी सी बात है कि कीवर्ड्स कितने हैं, टोटल 32 हैं सी लैंग्वेज में, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है, हमने लिस्ट भी दिया था आपको। तो बाकी सारे जो भी होंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर्स आखिर किस लिए हम लोग यूज करते हैं तो वो समझते हैं। कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड एंड कांट बी चेंज्ड बाय द यूजर एज वी सॉ इन द प्रीवियस लेक्चर। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं, यानी कि ये रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। सी लैंग्वेज के डेवलपमेंट के समय कुछ वर्ड्स यानी कि 32 रिजर्व्ड कर लिया गया वर्ड्स को, ताकि उन वर्ड्स का यूज करके कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को, कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म किया जा सके, या कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में उसका यूज किया जा सके। जैसे हमें लूपिंग का वर्क करना है तो हम फोर का यूज करेंगे, या वाइल या डू का यूज करेंगे। हमें टास्क को क्या करना है, कंडीशनल, यानी कि कोई हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, कंडीशनल जो हमारा इफ एल्स है उसका यूज करेंगे। हम लोग जैसे जैसे सी लैंग्वेज में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसे समझते जाएंगे। तो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी, तो कीवर्ड्स हम लोगों ने समझ लिया था। जबकि आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स आर यूजर डिफाइंड, आइडेंटिफायर्स यूजर डिफाइंड वर्ड्स होते हैं एंड आर यूज्ड टू गिव नेम्स टू एंटिटीज लाइक वेरिएबल्स, एरेज, फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स एक्सेट्रा। यानी जो आइडेंटिफायर्स होंगे ये भी एक वर्ड्स ही होंगे, राम, श्याम, ठीक है, 1 2 3, ए बी सी डी, हम लोग देखेंगे कौन वैलिड है कौन इनवैलिड है। तो ये क्या होंगे, वर्ड्स होंगे जो कि यूज किए जाते हैं जितने भी एंटिटीज है लाइक वेरिएबल्स, एरेज, फंक्शन, स्ट्रक्चर, इनको नेमिंग प्रोवाइड करने के लिए। देखिए अगर ओवरऑल हम बोले, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में नाउन होता है ना, उसी प्रकार से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइडेंटिफायर्स होता है। नाउन का क्या होता है, नाउन का मतलब होता है कि किसी भी प्लेस का, या किसी भी एक तरह से बोले तो क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना, डेफिनेशन ये होता है। तो किसी पर्सन, प्लेस या थिंग मतलब जो भी नेम हो, नेम से मतलब है, नाम है मतलब नाउन है। तो आइडेंटिफायर्स भी यहाँ पे क्या है कि आइडेंटिफायर्स नेम है। जैसे आपका नाम क्या है, हमें अगर किसी को पता करना हो, जैसे आपका नाम राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, मोहन सोहन हो सकता है, ठीक है, तो आपको जब कोई कॉल करेगा तो बोलेगा मोहन राम, जिससे क्या पता चलेगा कि अच्छा वो आपको कॉल कर रहा है। ठीक उसी प्रकार सी लैंग्वेज में हम जब डिफरेंट फंक्शंस बनाते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि सी लैंग्वेज एक फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, तो यहाँ पे जो प्रोग्राम होते हैं वो सेट ऑफ फंक्शंस में डिवाइडेड होते हैं। अब कौन फंक्शन कौन सा है, कौन फंक्शन कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहा है, इसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, तो सबसे बेहतर तरीका है नेमिंग कन्वेंशन, यानी नेम प्रोवाइड करना। हम हर एक फंक्शन को क्या करेंगे, नेम दे देंगे, है ना, 50 व्यक्ति बैठे हैं, किसी एक व्यक्ति को कॉल करना है तो हम उसको उसके नेम से कॉल करेंगे, ओके। तो यहाँ पे कोई भी उसी प्रकार का वेरिएबल्स हो सकता है ना, बहुत सारे वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए, कई ग्लोबल हैं, कई लोकल हैं, हमें एक स्पेसिफिक वेरिएबल को एक्सेस करना है, उसे कॉल करना है, या उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो हम वहाँ पे नेम का यूज करेंगे, और उसी नेम को आइडेंटिफायर के रूल्स के तहत डिक्लेयर किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। क्या रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर्स, हम लोग आगे अभी देखेंगे। सो ओवरऑल हमने क्या देखा कि आइडेंटिफायर्स यूजर डिफाइंड, यानी यूजर के द्वारा डिफाइंड किए गए वर्ड्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं वेरिएबल्स के नेमिंग के लिए, एरेज, फंक्शन, स्ट्रक्चर, लेबल्स, मतलब नेम है आइडेंटिफायर है, सीधी सी बात। सो वी कैन से डैट, हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इट इज द नेम ऑफ एनीथिंग, इट इज द नेम ऑफ एनीथिंग बाय विच दे कैन बी एक्सेस्ड, जिनके द्वारा उन्हें एक्सेस किया जा सके,
है ना। जैसे हमने मान लिया जाए 10 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि मेमोरी स्पेस को रिजर्व करना। असेंबली में हमने, अच्छा आपने असेंबली नहीं पढ़ा है, असेंबली अभी ऐसे हमारे प्लेलिस्ट में चल रहा है यूट्यूब पे, तो खैर आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं। वहाँ पर हम लोग देख रहे थे क्या, या असेंबली में होता क्या है, देखिए हम लोग या तो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या फ्यूचर यूज के लिए हम लोग मेमोरी को रिजर्व करते हैं एंड देन उस रिजर्व किए गए मेमोरी को नेम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। अगर हमें मान लिया जाए हमारा जो मेमोरी है उसमें से 4 bytes को एक्सेस करना है, तो उन 4 bytes को हम कैसे एक्सेस करेंगे? उनका 4 bytes का कुछ नेम तो होना चाहिए ना, जिसे हम बार बार कॉल करें और वो 4 bytes क्या हो, एक्सेसिबल हो जाए। उसके लिए हम यहाँ पे वेरिएबल के नेम का यूज करते हैं। फिर फंक्शन भी ठीक उसी प्रकार से, यानी कि आइडेंटिफायर किसी भी चीज का नेम है जिसके द्वारा उन्हें एक्सेस किया जा सके। फर्दर हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट तो आपको समझ में आते जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं रूल्स फॉर नेमिंग आइडेंटिफायर्स, यानी आइडेंटिफायर्स को डिफाइन करने के क्या क्या रूल्स हैं, कुछ रूल्स होते हैं। जैसे अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पे भी जब आप देखते होंगे कि कोई वर्ड्स होते हैं तो उनका कुछ एक तरह से है ना मीनिंग होता है, यानी कि स्पेसिफिक मीनिंग निकल के आना चाहिए, हालांकि उससे कंपेयर करना सही बात नहीं होगी। तो हम लोग अपना यहाँ पे सी लैंग्वेज पे फोकस करते हैं। सो इन सी लैंग्वेज देयर आर सम रूल्स टू डिफाइन एन आइडेंटिफायर विच आर गिवन बिलो। सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के कुछ सर्टेन रूल्स हैं और उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको आइडेंटिफायर्स को डिक्लेयर करना होगा। जैसे देखिए हम लोग अगर बात करें रिलीजियस की, जैसे देखिए मान लिया जाए हिंदू धर्म है, तो वहाँ पे देखते होंगे क्या होता है, एक तरह से पंचांग होता है जिसके हिसाब से, जन्म कुंडली के हिसाब से नाम दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या होता है, रूल्स होता है और उन रूल्स में रह के ही आपको नेमिंग प्रोवाइड करना है, यानी कि आप अपने मन से कुछ भी नेमिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते। हाँ अपने मन से दे सकते हैं लेकिन उस रूल्स के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा कंट्राडिक्शन हो रहा है, चलिए रूल्स को हम लोग समझते हैं। सो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि द नेम शुड कंसिस्ट ऑफ ओनली अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर साइन। अब देखिए आप किसी भी लैंग्वेज की बात करें वहाँ का जो बेसिक कंपोनेंट्स होता है या बेसिक एलिमेंट्स होता है वो लेटर्स होता है या कैरेक्टर्स होता है। इंग्लिश लैंग्वेज में A to Z अपर केस, कैपिटल A to Z, स्मॉल a to z। हिंदी की बात करें तो कख ग से लेकर के यहाँ तक, अ आ हर्षई दुर्गई से अ तक, है ना, ये हो गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे सी लैंग्वेज में भी क्या है, जो अलॉड कैरेक्टर्स यानी कि जिन जिन कैरेक्टर्स का आप यूज कर सकते हैं वो कौन कौन है, कैपिटल A to Z, स्मॉल a to z, 0 to 9 यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का आप यूज कर सकते हैं, और एक स्पेशल सिंबल है डेट इज अंडर स्कोर, ये माइनस नहीं है, ठीक है, ये अंडर स्कोर है और अंडर स्कोर आपका रहता है देखिए 0 के बाद और प्लस के बगल में रहता है, ठीक है, मैं यहाँ कीबोर्ड पे देख रहा हूँ, 0 के बाद और प्लस के बगल में शिफ्ट दबा के आप अगर उसे प्रेस कीजिएगा तो अंडर स्कोर जो ऐसे नीचे में, जैसे ये देखिए हमने यहाँ पे साइन बताया हुआ है ब्रैकेट के अंदर में अंडर स्कोर। तो इन सारे कैरेक्टर्स का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नेम को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी का नेम रख सकते हैं शुभम 1 2 3, ठीक है, शुभम अंडर स्कोर, लेकिन आप शुभम एट द रेट नहीं रख सकते क्योंकि एट द रेट इसमें अलाउ ही नहीं है। तो अभी हम लोग लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, वहां पे देखेंगे कौन से वैलिड है कौन से इनवैलिड है, अभी आपको घबराना नहीं है। तो फर्स्ट रूल हमने क्या देखा कि किन किन कैरेक्टर्स का यूज करके हम नेम को डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज कैपिटल A to Z, स्मॉल a to z, 0 to 9 एंड अंडर स्कोर। नाउ देर आर सर्टेन रूल्स, हम लोग उसे देखते हैं। कहा जा रहा है कि फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर, यानी कि जो पहला कैरेक्टर होना चाहिए वो या तो कोई अल्फाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए, या दूसरे वर्ड में हम लोग कह सकते हैं क्या कि जो फर्स्ट कैरेक्टर होना चाहिए वो कोई डिजिट्स नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो ये, अगर शुभम की बात करें तो ये क्या वैलिड आइडेंटिफायर है, परफेक्टली ये वैलिड आइडेंटिफायर है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे देखिए जो यूज हुए हैं वो लोअर केस यूज हुए हैं। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, इसमें लिखा हुआ है 2 एंड देन शुभम, तो यहाँ पे क्या ये वैलिड आइडेंटिफायर है? बच्चे कन्फ्यूज यही होते हैं, ध्यान देना है आपको, वो सोचते क्या है कि 2 तो 0 से 9 के बीच में आता है यानी इसका हम यूज कर सकते हैं, एंड SHUBHAM ये सारे स्मॉल a to z यानी कि लोअर केस कैरेक्टर है तो इसका भी यूज हम लोग कर सकते हैं आइडेंटिफायर के तौर पे, यानी ये वैलिड है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो रूल्स कहता है ये क्या कहता है कि फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर, तो आपको फर्स्ट कैरेक्टर चेक करना है,
क्या ये अल्फाबेट है, क्या ये अंडरस्कोर है, अगर नहीं है तो ये इनवैलिड है, इसका मतलब फर्स्ट करेक्टर डिजिट नहीं होना चाहिए, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। नाउ ये क्या है अंडरस्कोर एंड देन शुभम, क्या फर्स्ट करेक्टर क्या है यहाँ पे अंडरस्कोर है, तो ये परफेक्टली वैलिड, बाकी एस एच यू बी एच एम ये सारे तो वैलिड है। यहाँ पे देखिए टू का यूज क्या क्या है, एस एच टू यू बी एच ए एम, क्या ये आइडेंटिफायर एक वैलिड है, क्या हम इस नेम का कोई फंक्शन वेरिएबल लेबल बना सकते हैं सी लैंग्वेज में, परफेक्टली बना सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट कैरेक्टर आपका एक अल्फाबेट है, कोई डिजिट नहीं है, एंड बाकी के सारे जो कैरेक्टर्स है वो भी वैलिड अलाउड कैरेक्टर्स है, ठीक है। नाउ लास्ट रूल आपका क्या कहता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, द नेम शुड नॉट बी अ कीवर्ड, यानी कि नेम आपका कोई कीवर्ड नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने जब कीवर्ड पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो ध्यान दीजिए वहां कीवर्ड में हमने एक पॉइंट यूज किया था कि कीवर्ड कांट बी यूज्ड एज अ आइडेंटिफायर, और यहाँ पे भी सेम पॉइंट आया कि द नेम शुड नॉट बी अ कीवर्ड, यानी आप किसी फंक्शन का नेम दीजिए, किसी वेरिएबल को नेम प्रोवाइड कीजिए, किसी लेबल को नेम प्रोवाइड कीजिए, आप उसके नेम को कीवर्ड नहीं रख सकते हैं, यानी जो रिजर्व्ड वर्ड है स्टूडेंट उनका यूज एज अ स्पेसिफिक पर्पस जो डिफाइन किया गया है उन्हीं पर्पस के लिए यूज होना है, आप उनका जनरलाइज्ड पर्पस अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। मेरी बातों को समझ रहे हैं, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, जैसे हमने 32 रिजर्व वर्ड्स पढ़े थे, उसमें इफ था, एल्स था, है ना, बहुत सारे थे, वाइल, डू, एनम, ठीक है, स्ट्रक्ट, यूनियन, तो उन सभी का यूज आप आइडेंटिफायर के फॉर्म में नहीं कर सकते, यानी कि आप आई एफ इफ नेम का कोई फंक्शन कोई वेरिएबल नहीं बना सकते इसी लैंग्वेज में, ये इनवैलिड है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस टाइप का आपसे पूछा जाता है, आपको दिया जाएगा कैपिटल आई और कैपिटल एफ, और बच्चे लोग पढ़ते हैं कि द नेम शुड नॉट बी अ कीवर्ड एंड सिंपली इसे क्रॉस करके चले आते हैं। नहीं, यहाँ पे ध्यान देना है कि जो आपका सी लैंग्वेज है, अभी देखिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट उसे पढ़ेंगे, वो आपका केस सेंसिटिव, सी लैंग्वेज क्या है, केस सेंसिटिव है, और आइडेंटिफायर भी आपका केस सेंसिटिव है, यानी कि स्मॉल आई स्मॉल एफ और कैपिटल आई स्मॉल एफ ये दोनों अलग अलग नेम है, ठीक है। जैसे अगर मैं लिखूं कैपिटल एस एंड देन स्मॉल एच यू बी एच एम, स्मॉल एच एच यू बी एच एम, इस तरह से, तो दोनों अलग अलग है, यानी कि ये जो कैपिटल आई और स्मॉल एफ है ये आपका वैलिड आइडेंटिफायर है, ठीक है, ये आपका वैलिड आइडेंटिफायर है, इसका यूज आप एज अ फंक्शन, एज अ वेरिएबल, एज अ लेबल कर सकते हैं, एज अ एरे। नाउ थर्ड जो एग्जाम्पल है वो देखिए इंट है। अब इंट क्या है, ये भी एक रिजर्व्ड वर्ड है, इसका यूज हम लोग करते हैं किसी भी वेरिएबल के टाइप को बताने के लिए। अब वेरिएबल का टाइप, डेटा टाइप क्या होता है, ये हम लोग जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आए वो सबसे पहले मिल जाए, ओके। तो ये जो आई एन टी है स्टूडेंट, ये क्या है, प्री डिफाइंड, यानी कि रिजर्व्ड वर्ड है, कि इसका यूज क्या होगा, वेरिएबल के टाइप को बताएगा, किस टाइप को, कि वेरिएबल इंटीजर टाइप का है। अब हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थोड़ा सा जान लीजिए। तो चूंकि ये एक रिजर्व्ड वर्ड है तो इसका यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं एज आइडेंटिफायर, तो ये इलीगल है। नेक्स्ट है यहाँ पे अगेन इंट है, बोलेंगे तो इसे इंट ही, लेकिन यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, क्या ये रिजर्व्ड वर्ड्स है, नहीं, हमने पढ़ा था रिजर्व्ड वर्ड्स यानी कि कीवर्ड्स में एक पॉइंट और, कि ऑल रिजर्व्ड वर्ड्स आर रिटन इन लोअर केस, यानी जितने भी कीवर्ड्स हैं, जितने भी रिजर्व्ड वर्ड्स हैं सी लैंग्वेज में, वो लोअर केस में लिखे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, कैपिटल आई एन टी, तो ये कीवर्ड्स नहीं है आपका, तो ये क्या है, परफेक्टली आप इसका यूज एज अ आइडेंटिफायर कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये कुछ रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान देना है जब आप सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम्स को क्रिएट करें, और हम ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग इतने सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे कि आपको ये खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है, सिंस सी इज केस सेंसिटिव, या सी लैंग्वेज क्या है, केस सेंसिटिव, द अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर कंसिडर्ड डिफरेंट, अपर केस और लोअर केस दोनों को डिफरेंट कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, स्मॉल सी ओ डी ई एंड सी ओ डी ई एंड सी ओ डी ई आर थ्री डिफरेंट आइडेंटिफायर्स, ये तीनों अलग अलग आइडेंटिफायर्स हैं, यानी ये पूरे स्मॉल केस में लिखा हुआ है, है ना, ये पूरे कैपिटल केस में लिखा हुआ है, और ये लेटर केस में, इसे क्या बोला जाता है, सेंटेंस केस बोला जाता है, ठीक है, यानी कि हर एक वर्ड जो होता है उसका फर्स्ट जो
कैरेक्टर होता है वो कैपिटल होता है, लेकिन छोड़िए उससे कोई मतलब नहीं है हमें। यहाँ पे हम बेसिकली बताना क्या चाह रहे हैं आपको कि जो सी लैंग्वेज है वो आपका केस सेंसिटिव है, तो यहाँ पे जो अपर केस और जो लोअर केस है वो दोनों अलग अलग होंगे, यानी कि हम किसी फंक्शन का नाम सी ओ डी ई स्मॉल में रख सकते हैं और उसी प्रोग्राम में दूसरे फंक्शन का नाम कैपिटल सी ओ डी रख सकते हैं, और किसी तीसरे फंक्शन या फंक्शन बोले तो हम जब आइडेंटिफायर बोल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि किसी भी चीज़ का नेम, उसका नेम सी ओ डी ई कैपिटल में रख सकते हैं, और तीनों डिफरेंट होंगे, तीनों डिफरेंट ट्रीट होंगे, यानी तीन वेरिएबल हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो तीनों का नाम ये हम रख सकते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि एन आइडेंटिफायर नेम मे बी आर्बिट्रेरली लॉन्ग, आइडेंटिफायर का नेम आर्बिट्रेरी लॉन्ग कितना भी हो सकता है, बट सम इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ सी रिकॉग्नाइज ओनली द फर्स्ट 8 कैरेक्टर्स, बट कुछ इम्प्लीमेंटेशन है जो सी के वो सिर्फ सी के सी आइडेंटिफायर के फर्स्ट 8 कैरेक्टर्स को ही रिकॉग्नाइज करते हैं, दो मोस्ट इम्प्लीमेंटेशंस रिकॉग्नाइज 31 कैरेक्टर्स एंड सी स्टैंडर्ड कंपाइलर्स रिकॉग्नाइज 31 कैरेक्टर्स। ये आपको मेन पॉइंट ध्यान रखना है कि जो एनसी के स्टैंडर्ड कंपाइलर्स, अब एनसी क्या, हमने पढ़ा था सी के हिस्ट्री के बारे में कि एक कमेटी बनाई गई थी ना, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, तो उन्होंने क्या किया था, सी को स्टैंडर्डाइज किया था, और इसीलिए जो उन्होंने स्टैंडर्डाइज किया तो उसे एनसीसी कहा गया। तो जो भी कंपाइलर एनसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं वो 31 कैरेक्टर्स, यानी जो आइडेंटिफायर होगा उसका फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि अगर आप एनसी कंपाइलर में क्या कर रहे हैं, कंपाइल करवा रहे हैं अपने सी लैंग्वेज को, तो ये रिकमेंडेड है कि आप 31 कैरेक्टर से ज़्यादा का आइडेंटिफाई डिक्लेयर ना करें, और हम लोग करेंगे भी नहीं, वो और माथा पेची हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आइडेंटिफायर का जो नेम होना चाहिए वो होना चाहिए स्टूडेंट सुटेबल, परफेक्ट होना चाहिए। जैसे अगर हम मान लिया जाए दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, हम लोग बनाएंगे प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग का मैंने जैसा आपको बोला है कि मैं अलग प्ले लिस्ट बनाऊंगा तो मैं बनाऊंगा, उसमें प्रोग्रामिंग करेंगे, तो वहां पे अगर हमें दो वेरिएबल को डिक्लेयर करना हो तो आप चाहें तो ए बी डिक्लेयर कर सकते हैं या इंट ए ए ए ए ए ए इंट बी 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 बी, लेकिन क्या ये सही है? नहीं, ये लीगल है लेकिन ये कन्वेंशन नहीं है। कन्वेंशन क्या है, आप देखिए नेमिंग कन्वेंशन होता है, होगा तो हम लोग पढ़ लेंगे उसे, कि जो आपका वेरिएबल का नेम है स्टूडेंट वो सुटेबल होना चाहिए, परफेक्ट, यानी कि जब आप दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो अगर आप दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो आप क्या रखेंगे, नंबर वन या एन यू एम नम वन नम टू, जिससे ये पता लग रहा है जब कोई आपका प्रोग्राम को रीड कर रहा है तो ये पता चल रहा है कि अच्छा नम वन का मतलब ये फर्स्ट नंबर है, नम टू का मतलब ये सेकंड नंबर है, इससे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है। और हमें पता है कि प्रोग्राम का मतलब होता है कि आप डिफरेंट प्रोग्राम्स को लिख कर रहे हैं और कंबाइन करके वो सॉफ्टवेयर बनाना है, और सॉफ्टवेयर का सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है मेंटेनेंस, हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़े, तो मेंटेनेंस मेंटेनेबिलिटी बढ़ाने के लिए, रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम लोग नेमिंग कन्वेंशन का यूज करते हैं, पढ़ लेंगे हम लोग उसे भी, ठीक है। अब इतने चीजों को समझने के बाद आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं जो कि पूछे जाते हैं आपसे एमसीक्यूज में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड आइडेंटिफायर्स, आपको बताना है इनमें से कौन सा वैलिड आइडेंटिफायर्स है। वीडियो को पॉज कीजिए और 5 सेकंड के लिए आप लोग पहले देख लीजिए यस फर्स्ट का सही है या गलत है क्या है, और उसके बाद यहाँ से वीडियो को रिज्यूम कीजिए। तो आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा स्टूडेंट। नाउ फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, वी ए एल यू ई, क्या ये सारे वैलिड कैरेक्टर्स हैं, अलाउड कैरेक्टर्स हैं? यस, तो बिल्कुल ये क्या है आपका, एक वैलिड आइडेंटिफायर है। सेकंड क्या है आपका, सबसे पहले आपको चेक क्या करना है स्टूडेंट कि जो फर्स्ट आपका क्या है ये कैरेक्टर है वो अंडरस्कोर या अल्फाबेट है या नहीं है। तो ये तो अंडरस्कोर या अल्फाबेट है नहीं, डिजिट है, तो फर्स्ट कैरेक्टर आपका डिजिट नहीं हो सकता है, तो ये इनवैलिड हो गया। थर्ड की आप बात कर लीजिए, इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है एफ है, यानी कि ये अल्फाबेट है, तो ये वैलिड हो गया। सारे जो इसमें लेटर्स यूज हुए हैं वो लोअर केस है, यानी कि ये अलॉट कैरेक्टर्स यूज किया है, लेकिन यहाँ पे ये कहाँ पे फेल हो रहा है, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, फ्लोट है, और फ्लोट एक रिजर्व्ड वर्ड्स है, ये एक रिजर्व्ड कीवर्ड्स है, तो इसका यूज हम लोग एज अ आइडेंटिफायर नहीं कर सकते हैं। नाउ ए, क्या ए एक वैलिड आइडेंटिफायर से, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आर ई सी हैज फर्स्ट कैरेक्टर ना ही डिजिट है, तो सही है ये। आर ई सी अलॉट कैरेक्टर है, लेकिन ये जो हैस है स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहाँ पे,
ये जो हैश है क्या ये अलॉट कैरेक्टर से? नहीं, अ स्पेशल कैरेक्टर में ओनली वन कैरेक्टर अलाउड है, डेट इज अंडरस्कोर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, ए वी जी एंड देन एक स्पेस है एंड देन एनो नंबर है। इनमें क्या होता है ये सारे एग्जांपल्स में कि काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, ए वी जी तो अलॉट करेक्टर से, एनओ भी अलॉट करेक्टर से, फर्स्ट जो इसका क्या कहता है लेटर है वो ना ही अल्फाबेट है ना ही, अच्छा फर्स्ट जो इसका कैरेक्टर है वो अल्फाबेट है, तो ये अलाउड है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पेस दिया हुआ है और स्पेस अलाउड कैरेक्टर नहीं है, इसीलिए ये इनवैलिड आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेट अंडरस्कोर पी, क्या ये अलाउड है, एन ए टी अलाउड कैरेक्टर से, अंडरस्कोर अलाउड कैरेक्टर से, पी ए वाई बी अलाउड कैरेक्टर से, और फर्स्ट जो आपका कैरेक्टर है वो डिजिट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका वैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट है कैपिटल में एम ए आर केस, ये भी आपका वैलिड है। नेक्स्ट है अंडरस्कोर एंड डेटा, ये भी आपका वैलिड होगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो अंडरस्कोर हो सकता है। नाउ ए बी सी एट द रेट एक्स वाई जेड, यहाँ पे ए बी सी एक्स वाई जेड तो ठीक है, लेकिन एट द रेट कहाँ से आ गया, ये एट द रेट स्पेशल सिंबल है और स्पेशल सिंबल में सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है, तो ये आपका इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट है वन अंडरस्कोर ए बी सी, अब इसमें सारे वैलिड कैरेक्टर्स है लेकिन हमें पता है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा किसी भी आइडेंटिफायर का वो या तो अल्फाबेट हो या तो अंडरस्कोर हो, डिजिट नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपका इनवैलिड हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये था हमारा आइडेंटिफायर्स, आई होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप लोग जरूर इनेबल कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए डेटा टाइप्स का वो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।